माँ वो मुझसे एक गलती हो गई। मैं थोड़ी देर के लिए अपने लक्ष्य से भटक गई थी, भूल गई थी यहाँ किस लिए आई हूँ। लेकिन अब मैंने मेरी उस गलती को सुधार लिया है और अब मेरा लक्ष्य सिर्फ पापा का अधूरा सपना पूरा करना है बस। कोई बात नहीं साची, देख तूने गलती की, तुझे एहसास हुआ और तूने उस गलती को सुधार भी लिया बेटा। और हमेशा याद रखना साची, हमारा लक्ष्य सबसे पहले आता है और मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा माँ मैं फोन रखती हूँ, मुझे अभी ड्यूटी पर जाना है तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, और सुन परेशान मत रहना, समझी? अच्छी ये बात है ना भाभी, एक ही शहर में रहके सांची राखी पे घर नहीं आई, उतनी कटी कटी क्यों रहती है घर से? मेरी बेटी डॉक्टर है खुशबू, बहुत सारा काम रहता है उसे, पर ये बात घर पे बैठे खाली लोग ये बात नहीं समझेंगे। बड़ा गुरूर है अपनी बेटी पे, जूती मार कर आऊं ऐसी नौकरी को। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, चल के एक्सचेंज करा लेते। वीर, बात पसंद ना पसंद की नहीं है, मैं तुमसे कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकती। एक मिनट सांची, क्यों क्यों नहीं ले सकती तुम मुझसे गिफ्ट? क्यों क्यों लूं मैं तुमसे गिफ्ट? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, इसलिए तुम्हें गिफ्ट लेनी पड़ेगी। उसके बाद तुम्हें गिफ्ट रखनी है या फेंकनी है। सॉरी वीर, पर मुझे तुम्हारे इस प्यार को नफरत में बदलना होगा, क्योंकि हम कभी एक नहीं हो सकते।
आप लोग ने विक्रांत की कहानी तो सुन ली, अब आप लोग सच सुनिए। जो असलियत में वहां हुआ था, सच तो ये है कि हमारा एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं। हो गया काम खत्म। अब तो दामाद जी विक्रांत को जिंदा गाड़ देंगे। रिया, रिया, एक मिनट, रिया, प्रिया तुम ठीक हो ना? प्रिया ठीक हो? मुझे छोड़ के मत जाना प्रिया। देखो जरा इसे, ऐसी हालत में भी उसे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है और एक तुम हो कि नहीं। बेट तू मत उठ, तू आराम कर। प्रिया तुम ठीक हो ना? प्रिया पता नहीं कैसे कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और पेड़ से टकरा गई। आई एम सो सॉरी बेबी, आई एम रियली सॉरी। बेबी तुम कहाँ चली गई थी? किसी से मदद मांगने गई थी क्या? उस रास्ते पे तो कोई भी नहीं मिला होगा, इतना सुनसान रास्ता है ना? ये सब क्या हो रहा है प्रिया? विक्रांत ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैंने सबको सच बता दिया कि तुमने मुझे हवेली में कैद कर रखा था। कैसी बातें कर रही हो? मैं तो तुम्हें हवेली लेकर ही नहीं गया था। तो तुम्हें खुद बाहर जाना था और वहां पहुंचकर तुमने बोला कि हमें यहीं पे रुकना है, और तुमने हम दोनों के फोन बंद करके रखे थे। और तुम मुझे ये समझ गया ना, तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो? एक मिनट, और वो रवि? प्रिया तो कह रही कि तुमने उसे मारा है। और प्रिया I'm surprised. अरे तुम्हें पता है कि रवि को किसी जंगली जानवर ने मारा है? क्या हो गया प्रिया तुम्हें? मुझे बहुत दुख हो रहा है। Why are you doing this, baby? तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो? पापा ये झूठ बोल रहा है। Trust me, ये सब विक्रांत ने किया है। समझ में नहीं आ रहा है किसकी बात पर विश्वास करूं। आनंद आप खुद ही सोचिए ना, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब प्रिया की बात समझ नहीं आ रही समाओ। आप खुद ही सोचिए कि विक्रांत ने अगर वाकई प्रिया को टॉर्चर किया होता और प्रिया अपनी जान बचाकर वहां से भाग रही होती तो विक्रांत को चोट कैसे लगती? अगर विक्रांत उसको मारना चाहेगा तो खुद को तो चोट नहीं लगाएगा ना? भगवान करे आनंद को मेरी बात समझ में आ जाए, वरना अगर इन्होंने प्रिया की बात पर भरोसा कर लिया मैं तो दिक्कत में आ जाऊंगी। देखिए हाँ, मुझे सच में लग रहा है कि हमारी प्रिया को सदमा लग गया। मुझे कोई सदमा नहीं लगा। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मेरा बेटा खूनी है? हाँ है। प्रिया जवाल संभाल की बात करो, पति है वो तुम्हारा। प्लीज एवरीबॉडी प्लीज शांत हो जाइए।
इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विक्रांत को यहाँ से निकालकर हमारे हॉस्पिटल में दाखिल करना, ताकि वहां उसकी इलाज ठीक से हो। अगर ये मुझे सावित्री देवी हॉस्पिटल ले गए तो मेरा सारा राज खुल जाएगा कि मेरी चोट सीरियस नहीं है। नहीं 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 डैड, मैं यहीं पर ठीक हूँ। मेरी बेबी प्रिया प्रिया मेरे साथ रहेगी तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। प्रिया रहोगी ना? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस जानवर के साथ यहाँ नहीं रुकूंगी। Look, I'm sorry. इस एक्सीडेंट की वजह से उसे थोड़ी भूख लग गई है। मैं उसे समझाता हूँ। I'll sort it out. अपना ख्याल रखना बेटे। Please, Dad, Priya को वापस ले आइए। इतना एक्सट्रीम दल जाने के लिए किसने कहा था? अगर कुछ हो गया ना, देख लेना। फॉलोअप के लिए कोई पेशेंट आया है, लेकिन आज तो किसी की अपॉइंटमेंट नहीं थी। देखती हूँ। सनी, सनी जी, तू एक मिनट यहाँ। सनी, तू यहाँ क्या कर रहा है? किसी ने देख लिया तो? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? दी, आज राखी है और आज तक ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि तुमने मुझे राखी ना बांधी हो, तो आज मैं ऐसे कैसे होने देता? यार फ्रिज में भी चेक कर लिया, कुछ नहीं है इस घर में। क्या ढूंढू खाने को? किसने नाश्ता तक नहीं बनाया? इसमें कुछ होगा शायद। खुशबू, तुम भी तो घर की बहू हो, तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है ना? जाओ राशन लेके आना और फिर हम लोगों के लिए कुछ बना देना, ठीक है ना माँ जी?
जिम्मेदारी के नाम पे ना नौकर बना के रख दिया मुझे इस घर पे। अब जाके राशन लाना पड़ेगा। और लाना तो पड़ेगा ना, तो खुद ही भूखी मर जाऊंगी मैं। गुड मॉर्निंग सर। हम नए रिक्रूटमेंट्स करेंगे ताकि सबका काम इक्वली बढ़ जाए और किसी एक पर ज्यादा प्रेशर ना हो। इस साल आपके बोनसेस में भी बढ़ोतरी होगी। हॉस्पिटल स्टाफ का आपस में कपल बनना, अफेयर करना या शादी करना हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ होगा। अगर कोई भी ये रूल तोड़ते हुए पाया गया तो उस कपल में से किसी एक को ये हॉस्पिटल छोड़ना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? You may carry on with your duties for the day. Thank you very much. Oh, लगता है सांची को इस रूल के बारे में पहले से पता चल गया था, इसलिए कल से मुझसे दूर भाग रही है। ये कपल वाला रूल तो तुम्हारे पापा ने बनाया, तो ये क्या तुम्हें भी मानना पड़ेगा? प्लीज कबीर और मुझ पे ऐसे स्टूपिड रूल्स इंप्लीमेंट नहीं होते। ऑलराइट? तो इसलिए तुम मुझे कल से इग्नोर कर रही हो? स्टूपिड एचआर पॉलिसी को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? अरे ऐसे रूल्स तो बनते टूटते रहते हैं। अब इन सिली रूल्स की वजह से हमारे बीच में जो है वो क्या है हमारे बीच? मेरा पेशेंस मेरा वेट कर रहा है, मेरे पास बहुत काम है। यही तो रह गया जीवन में। पहले तो चोरी कर करके अच्छे से सामान बेच रही थी, अब सामान खरीदी जाओ।
खाओ, अच्छे से खाओ। छी 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 छी, कैसी बहू है ये? घर में बूढ़ी सास और बीमार जेठानी भूखी बैठी है और ये यहाँ पे गोल गप्पे खा रही है। बाप रे, भगवान बचाए दुनिया को ऐसे बहुओं से। सुनो, ऐसा है? हाँ मैं रही हूँ। पेट में दर्द तुम्हारे होने, क्यों? मेरी मर्जी है ना, मैं उनको खाना दूं नहीं दूं, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? चलो ऐसा, चकली बनाओ अपनी चकली, ठीक है ना, उसी में पैसे कमाओ, दिमाग मत लगाओ ज्यादा। प्रिया बेटा, प्रिया पुत्र, पुत्र तू परेशान मत हो, हर रिश्ते में छोटी बड़ी दिक्कतें तो आती हैं। अभी आप समझ नहीं रहे हो, छोटी मोटी दिक्कतें नहीं है विक्रांत, वो तू परेशान मत हो, मैं बात करूंगी आनंद से, तुझे उस घर में दोबारा नहीं जाने दूंगी पुत्र। दिस इज रियली बैड प्रिया। बेटा तुम मम्मी जी को विक्रांत के बारे में झूठ क्यों बोल रही हो? हमने पहले दिन से देखा है प्रिया कि विक्रांत तुम्हें कितना प्यार करता है, फिर क्यों उसको लेके ऐसी झूठी कहानियां बना रही हो? मम्मी जी प्लीज, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अब मुझे सच में लगने लगा है कि प्रिया के ही इरादे सही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है प्रिया कि तुम आज भी संकेत को भूल नहीं पाई हो, इसीलिए ये सब? बस हो गया गायत्री, बहुत हो गई तुम्हारी ये बकवास। ये प्रिया अपनी जिंदगी के लिए इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी मम्मी जी? और वैसे भी अगर आपको भरोसा नहीं होता तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपकी राय से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो वैसे भी यही चाहिए ना कि मैं इस घर से चली जाऊं और वहां विक्रांत मुझे टॉर्चर करे। पर इस बार चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। माँ, आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, फिर आपने मुझे हॉस्पिटल से इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? अपनी फ्रेंड से मिलवाने के लिए। मित्र, ये है कविता और ये है आरती। नमस्ते आंटी जी। कुछ लो माँ, मिल लिया आपकी सहेलियों से, क्या अब मैं जा सकता हूँ? मेरे पेशेंट्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे रुकना, अब आ गया है तो थोड़ी देर इन लोगों से बातें कर। अरे कबीर, कोई लड़की वड़की देखी या नहीं? अरे शादी कब करने का इरादा है? अरे अपने माँ से कब तक अकेले काम करवाओगे तुम? आंटी जी, अभी तक तो कोई नहीं है, हॉस्पिटल में काम ही इतना होता है कि इन सब चीजों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। अरे काम तो सारी जिंदगी चलता रहेगा, शादी तो जरूरी है ना। देख भाई, हमारी बच्चों की तो शादी हो गई,
अरे अब तो हम दादी और नानी बनने जा रहे हैं। अरे कुसुम तुम इसको कब उठाओगी? उठाऊंगी ना, बहुत जल्दी उठाऊंगी ये सुख। बल्कि मेरे कबीर ने तो एक लड़की पसंद भी कर ली है। हाँ सांची नाम है उसका। अरे तुम लोग ऐसे खड़े क्यों हो? बैठो ना, मैं तुम लोगों के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करके आती हूँ। बैठ बातें कर उनसे। Excuse me, मैं बस अभी आता हूँ। Wow, wonderful. चाय रेडी है? सुनो, एक चाय में चीनी मत डालना, मेरी एक फ्रेंड है वो चाय। क्या था वो सब? क्या? आपने साची के लिए ऐसा क्यों कहा? वो मेरी इंटर्न है। अगर उसे कहीं से पता चल गया तो क्या सोचेगी मेरे बारे में? कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा मुझे उसके सामने। थोड़ा धीरे बोल, मेरी फ्रेंड सुन लेंगे ना। तो सुनने दो, और आप प्लीज ऐसी उठपटांग बातें कहना बंद कर दो। कबीर कहाँ जा? कबीर अरे कुसुम, ये कबीर कहाँ चला गया? वो फोन आ गया था ना हॉस्पिटल से, एक कोई इमरजेंसी केस था, सर्जरी थी, जाना पड़ गया बेचारे को, क्या करेगा? You know how doctors are. निजी जिंदगी तो इनकी कोई होती नहीं है, तो चला गया। अरे एक बार उसकी शादी करा दो, निजी जिंदगी अपने आप ठीक हो जाएगी। वैसे कुसुम क्या नाम बताया था तुमने उस लड़की का? साची, साची। हाँ साची साची। अरे एक बार मिलवा तो दो उसे हमें। जरूर मिलवाऊंगी। ये क्या नया नाटक है आपका? वीर, मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी हूं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। मुझे डॉक्टर मल्होत्रा से कुछ बात करनी है, आप लोग बाद में आइएगा। क्या बदतमीजी है वीर, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? ये क्या नई स्टूपिड एचआर पॉलिसी बनाई आपने? क्या जरूरत थी इसकी? क्या साबित करना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें उस पॉलिसी से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? जहां तक मैं जानता हूं, तुम्हारे मन में स्टाफ या किसी भी इंटर्न के लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है? ऑफ कोर्स मेरी खुशी तो आपसे बर्दाश्त होती नहीं है, लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया डॉक्टर मल्होत्रा कि मैं आपका ये स्टूपिड रूल फॉलो करूंगा? मत करो, लेकिन वो जरूर करेगी। मैं उस लड़की को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं वीर, बहुत ही मतलबी है। उसके लिए उसके करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। और फिर तुम्हारे साथ सिर्फ दो दिन के प्यार के लिए वो अपना पूरा करियर दांव पे नहीं लगाएगी, क्योंकि वो जानती है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के मुताबिक दोनों में से किसी एक को सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल से जाना होगा, और तुम दोनों में से कौन जाएगा ये सब जानते हैं। Thank you.
मैं तो यहाँ सोच कर आई थी कि मैं वीर को सब कुछ सच सच बता दूंगी, घर पर रहती तो नहीं बता पाती, पर वो खुद इतना टेंस्ड है कि मैं अपनी बात करके उसे और टेंशन नहीं दे सकती। ऐसे ही कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता, तो अब पहले मैं विक्रांत का सच बाहर लाऊंगी, तब वीर को बताऊंगी। देखिए ना, उसने क्या हालत कर दी हम दोनों की। और मैडम, हमारी कुछ दिनों से हालत इतनी बुरी है, फिर भी हमें कुछ खाने को नहीं मिला। खुशबू, ये क्या नया नाटक हो रहा है? ये यही है वो लड़की जो हम लोगों पे अत्याचार कर रही है, यही है। ओ, तो तुम हो खुशबू? हाँ, मैं ही हूँ। तो आप लोग कौन है? हम सास प्रताड़ना संस्था से आए हैं। इन्होंने आपके खिलाफ शिकायत की है कि आप इनसे घर का सारा काम करवाती हैं। क्या घर खाना नहीं देती? क्या किसने बोला आपको ये सब? हमने इनका चेकअप किया है, इनकी पल्स लो है, उनके शरीर देखो कितने कमजोर लग रहे हैं, पेट में इनका एक दाना नहीं। और ये कह रही थी कि तुम बाहर गोलगप्पे खा के आ रही हो। किसने बोला ये सब आपको है? ये सब झूठ झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखो, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर तुम अपने ससुराल वालों को इसी तरीके से प्रताड़ित करती रही तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तो ठीक है ना? मुझे क्या हुआ है? अब तो ये बातों में ही टाइम वेस्ट करेगी या चल के राखी भी बांधेगी? चल।
दी तू ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तू मेरी टेंशन मत ले, तू अपना ध्यान रख। हाँ और याद रखना मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो ये सब क्यों कह रही है, क्या हुआ? अरे ऐसे ही बोल रही हूं। Good girl. बस ना यार, तुम्हारा सिर्फ नाम मिस गोलगप्पा है, गोलगप्पे जैसी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे सड़े हुए रूल को क्यों इतना दिल से लगा रही हो? अरे रूल्स तो बनते ही तोड़ने के लिए। इनफ वीर, बंद करो ये सब, मुझे बहुत काम है। अपनी दाल अब यहां नहीं गलने वाली। फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.